जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार आप सभी को फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चटोरा इंजीनियर पर। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, सर्दी आ चुकी है और सर्दी का तोड़ वेज वालों के लिए यानी कि हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए एक ही चीज़ है, बस क्या है, दाल मुरादाबादी। सर्दी में बहुत खाई जाती है, इस टाइम वेडिंग सीजन रहता है, वेडिंग में भी काफ़ी बिकती है और स्ट्रीट का भी अलग मजा है। लेकिन आपने आज से पहले दाल मुरादाबादी देखी तो होगी, लेकिन अक्सर वो शाम के समय मिलती है, मतलब 5-6 बजे के बाद जब दिन ढल जाता है। लेकिन अब उसका एक अलग मजा है शाम के समय का, क्योंकि ठंड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर सुबह 11-12 बजे नाश्ते में ही दाल मुरादाबादी मिल जाए तो हेल्दी ब्रेकफास्ट भी हो जाए और ठंड का तोड़ भी मिल जाए। तो आज हम आए कहाँ, बरेली की मशहूर मुरादाबादी दाल ट्राई करने। अब आप सोच रहे होंगे ना, बरेली में आ गया, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आया हूँ गाज़ियाबाद के इलाके कौशाम्बी के पास, जो कि मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे भैया की कार्ट है, बरेली की मशहूर दाल पापड़ी। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, दाल लेते हैं, देखते हैं क्या यूनिक है और यूनिक क्या भाई नॉर्मल कंटेंट है, ठंड में दाल का अलग स्वाद है। चलते हैं, बिना किसी देरी के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, आइए। तो हाँ जी गाइस, आ गए हम बरेली की मूंग की दाल ट्राई करने। ये हमारे भैया, नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? भैया भैया सर्दी लगी है भैया को, हमारी तरह भी भैया को थोड़ी ज्यादा लगी, गला खराब है। तो भैया एक बार ऑडियंस को बताएंगे कब से लगा रहे हैं? 14 साल हो गए भैया को, 14 साल हो गए हैं। और टाइमिंग क्या है? 9 से 9, सुबह 9 से 9, 12 घंटे की जॉब है। मालिक बन गए, पहले मालिक थे, अभी मालिक बन गए सर, बता रहे हैं पूरे, मतलब सुबह 9 बजे मालिक बुलाते हैं, मालिक जी। और सातों दिन खुलती है आपकी शॉप? संडे छोड़ के, तो संडे ऑफ है, पूरी टेक की तरह जॉब है, 12 घंटे की 9 से 9। तो चलते हैं अब, हमने बहुत नाम सुना है इनका कि बरेली की मूंग की दाल फेमस है। तो भाऊजी की बात बताएंगे, कि मैं देख रहा हूँ कि दो चटनी है, एक लहसुन की, बिना लहसुन की, लेकिन सब मांग रहे लहसुन वाली, ऐसा क्या राज है? लहसुन का ज्यादा चलता है, ज्यादा खाते हैं बंदे लहसुन। अच्छा, उसका टेस्ट अलग है ना जी। तो चलते हैं, हम भी एक लहसुन वाली दाल ट्राई करते हैं और अपन जायका पहुँचाते हैं। और हमारे साथ और भी बहुत से लोग खा रहे हैं, हमारे भैया है, ये भी आनंद उठा रहे हैं बहुत देर से, और ये उधर है, और ये हमारे पंडित जी हैं, इनका कहना है ये नैनीताल से आए हैं, अभी बाकी पंडित जी का रिव्यू लेंगे। ठीक है पंडित जी, जय श्री राम, जय श्री राम भैया। तो चलते हैं एक दाल मुरादाबादी, नहीं मूंग की दाल, तो चलते हैं एक मूंग की दाल बरेली वाली स्पेशल ट्राई करते हैं और आप तक जायका पहुँचाएंगे, आइए। तो गाइस, तो भैया अमूल बटर है, तो गाइस प्योर अमूल बटर है, और ये आ गई है गर्मा गर्म दाल, फुल धुएंदार, एकदम ठंड में खा के बहुत अल्टीमेट जायका हो जाएगा। और ये आ गया है नमक, ये क्या चीज है भैया? ये मसाले हैं सीक्रेट। ये आ गया भुना हुआ जीरा, ये लाल मिर्च है या देगी मिर्च है? ये पाउडर वाली है, दोनों में से लाल भी नहीं है और देगी भी नहीं है। और ये आ गया खटास के लिए नींबू, भाई साहब सब लहसुन मांग रहे, तो हम भी आपने बताया वही सबसे बढ़िया है। ये आ गया बटर ऊपर, और वाह एकदम बहुत खुशबू आ रही है ऊपर तक, और ठंड में ऐसे दाल, मैं कह रहा हूँ भगवान कसम मजा आ जाएगा भैया खा के। ये पापड़ी भी डलेगी इसमें, तो आपको अभी तक लग रहा होगा कि कुल्हड़ खा ली है, लेकिन अब फुल पापड़ी से भर दिया है। ये प्याज आ गया है, ये आ गया टमाटर, ये क्या चीज है, भुनी हुई मिर्च, ओ तेरी, ये तो पूरा एकदम धुएंदार हो जाएगा। और ये हमारी हो गई है दाल बरेली की तैयार, ये देखिए, और कुल्हड़ भी बाहर तक गर्म हो रहा है। तो चलते हैं, जायका पहुंचाते हैं अब तक बरेली की स्पेशल दाल, आइए। तो गाइस, ये लग गई है बरेली की मशहूर मूंग की दाल और पापड़ी। ये पीछे स्टॉल लगा हुआ है और आप देख रहे होंगे फुल भीड़ है, ठंड में लोग आनंद उठा रहे हैं। और ये एक बहुत प्यारी सी कुल्हड़ जो कि फुल गर्म हो रही है, और भरपूर इसमें ऊपर देख रहे होंगे मिर्च है और प्याज टमाटर और भरपूर आइटम है, स्पेशल लहसुन की चटनी डलवाई है हमने। तो चलते हैं, आप तक जायका पहुँचाते हैं। तो गाइस चलते हैं, एक बार मिक्स करते हैं, जिससे
जो ऊपर इन्होंने धुआंदार मिर्च डाली हुई है वो कानों से धुआं ना निकाल दे। ओए ओए मैं कह रहा हूँ एकदम गर्मा गर्म और जो खुशबू आ रही है भगवान कसम। और ये देखो इन्होंने भरपूर पापड़ डाली है। गाइस मुरादाबादी दाल का अलग टेस्ट होता है, लेकिन ये जो बरेली की स्पेशल दाल है इसका थोड़ा अलग टेस्ट है, और मिट्टी वाले कुल्हड़ के बर्तन में तो थोड़ा अलग ही स्वाद आ रहा है। और ठंड भी ठीक ठाक हो रही है, कम नहीं है। ये अपन ही लेते हैं। कुछ यूनिक टेस्ट है, लेकिन मुरादाबादी दाल का अलग टेस्ट होता है, इसका अलग टेस्ट है। लहसुन का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, सब लोग लहसुन वाली दाल मांग रहे थे मैं देख रहा था, तो इसीलिए मैंने लहसुन वाली दाल ट्राई करी। जो लोग लहसुन नहीं खाते बिना लहसुन वाली चटनी भी है वो भी ले सकते हैं। बाकी दाल में ऐसा नहीं है, पानी पानी है, दाल का टेक्सचर ठीक है, रिच क्रीमी सा हो रहा है, रिच देखो आप सूदिंग से लग रही है, ऐसा नहीं है कि पानी पानी बह रहा है, पानी पानी ऐसा कुछ नहीं है। और भरपूर स्टफिंग है, प्याज है, टमाटर है, पापड़ी है, दो तरह की मिर्ची, एक पाउडर वाली और जो उन्होंने भुनी हुई मिर्च डाली ऊपर से, उसका बहुत अच्छा जायका आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप लोग आए और इनकी बरेली वाली स्पेशल मूंग की दाल में पापड़ी ट्राई करें। इनके पास छोले कुलचे भी हैं और एक अमूल मक्खन वाले छोले पापड़ी भी हैं। इस दाल की कॉस्ट थी मात्र 60 रुपये। तो आज मैं आया था, कहाँ मैं आया था, कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास भैया का स्टॉल है बरेली की स्पेशल मूंग की दाल में पापड़ी। तो आप लोग आए और इस दाल का आनंद उठाए। जय श्री राम दोस्तों। हाँ जी गाइस, तो हमने तो ट्राई कर ली बरेली की स्पेशल दाल, हमें तो लगी अल्टीमेट। हमने वही लहसुन वाली ट्राई करी थी, देखते हैं भैया ने कौन सी ट्राई करी। जय श्री राम भैया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो कैसी लगी आपको दाल, आप कब से आ रहे हैं? हम तो पिछले 7 साल से आ रहे हैं। 7 साल से आ रहे हैं आप? 14 साल नहीं होगा, 7 साल से आप आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब इतनी अच्छी लगती है आपको दाल? इसकी दाल का जी वैसे अब तक कुछ आमदी की सबसे बेस्ट दाल है जी जी। और इसका टेस्ट अल्टीमेट है, अब तक ऐसा टेस्ट कुछ आमदी में किसी ने दिया ही नहीं। हाँ वही, अब तो यहाँ तो बहुत मुश्किल से मिलता है नंबर, आज पता नहीं कैसे नंबर मिल गया। हम भी बहुत देर से लगे हुए हैं लाइन में, क्राउड आ रहा है, आता जा रहा है, खाता जा रहा है, जाता जा रहा है। एक दो भगोने हमारे सामने भी खत्म हो गए थे। तो आपने लहसुन वाली ट्राई करी थी चटनी? लहसुन वाली बेस्ट है इनकी। हाँ वही मैं देख रहा था, जिसे देख रहा है कि लहसुन भाई लहसुन वाली चटनी डालना लहसुन, तो हमने भी वही ट्राई करी। लहसुन का पूरा परफेक्ट टेस्ट है, लहसुन का परफेक्ट टेस्ट है जी। एक इनकी पापड़ी है वो डालते हैं तो और टेस्ट आ जाता है। हां उसे करारापन कुरकुरा सा वो बढ़िया आएगा, बढ़िया आ रहा है बिल्कुल। तो जिस हिसाब से इनका रेट है ये बिल्कुल जेन्युइन रेट है जी जी। और हम काफी 7 साल से ट्राई कर रहे हैं और आज तक 7 साल हो गए हमें आते हुए जी जी, तो आगे भी आते रहेंगे। और इनके छोले कुलचे, वो छोले कुलचे इतने मतलब छोले कुलचे भी अच्छे हैं जी जी, लेकिन दाल के लिए जाने जाते हैं। दाल का जो नाम है वो ये सबकी एक स्पेशलिटी है अपनी सबकी। हां ये दाल इनकी जी स्पेशलिटी है जी। और सर आप कब से आ रहे हैं? क्या मैं भी ऐसे ही जा रहा था, भाई की एक बार ट्राई करी थी जी जी। फिर जब से 1.5 साल हो गए, 1.5 साल। तो आप दोनों साथ में नहीं है? इनके साथ ही आया था पहली बार यहाँ पे, तो अचानक से आया मेरे को वेस्ट लगी। 5 साल से आ रहे हैं और सर 1.5 साल से? 1.5 साल से। तो आप हमारी ऑडियंस को रिकमेंड करेंगे वो लोग यहाँ पे आए? बिल्कुल भाई आए, बिल्कुल आना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए दाल जी। तो भाई भैया का भी कहना है और हम भी रिकमेंड करते हैं, एक बार इनका टेस्ट जरूर उठाए। बाकी सबका अपना टेस्ट है, किसी को अच्छी लगती किसी को बेकार, तो लेकिन हमें भी अच्छी लगी और भैया को भी। 7 साल से आ रहे हैं भैया, तो आप समझ सकते हैं। और भाई ट्राई करें तो लहसुन की चटनी जरूर ट्राई करें। हाँ ठीक बात है, लहसुन की चटनी जरूर डलवाएं इनसे, इसका एक अलग टेस्ट आएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, अभी आपसे इजाजत मांगता हूँ और आएंगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।